वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं रुचि। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि हम अपने डार्क आई सर्कल्स को एंड ब्लैक स्पॉट्स को, अंडर आई जो पफिनेस या सूजन हो जाती है, यानी कि सूजन हो जाती है हमारी आंखों के नीचे, और ये डार्क सर्कल्स जो कि जिद्दी होते हैं और नहीं जाते हैं, इनको हम किस तरीके से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। सो डार्क सर्कल्स होने के कई रीज़न हो सकते हैं। आपका नींद पूरी ना लेना, स्ट्रेस लेना, या पानी अधिक नहीं पीना, या फिर जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहती है, या फिर आपकी मतलब कोई आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स एंड हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं। बहुत ज़्यादा लैपटॉप एंड मोबाइल में काम करना और बहुत पास से टीवी देखना या फिर गैजेट्स पे काम करना, इससे भी हमारे डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं। मेन तो हमारे जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है वो दो वजह से होती है, एक आपकी नींद पूरी ना लेना और दूसरा स्ट्रेस लेना। सो स्ट्रेस को कहें बाय और नींद पूरी लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम है या फिर जिनको पहले से डार्क सर्कल्स है और बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि ओनली 3 डेज में आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव कर देगी डेफिनेटली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, ये पैक बनाने के लिए आपको लेना है यहाँ पे एक आलू, कोई भी साइज का, छोटा बड़ा, एंड आपको हाफ यहाँ पे क्यूकम्बर लेना है, यानी कि खीरा। सो आपको क्या करना है, आलू को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसे पील नहीं करना है, यानी कि छीलना नहीं है। इन दोनों को हमें ग्रेट करना है ग्रेटर से, देन इसके बाद इसका जूस निकालना है। तो चलिए इसको ग्रेट कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। सो गाइस, आलू ग्रेट होने के बाद हमें खीरे को इस तरीके से ग्रेट करना है, क्योंकि हमें दोनों का ही जूस चाहिए। तो हमें इस तरीके से एक साथ ही इसे ग्रेट करके एंड एक साथ ही इसका रस निकालना है। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, बट चूंकि रस एक साथ ही हमें इंक्लूड करके बनाना है पैक, तो आप एक साथ इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन दोनों को ही मैंने अच्छे से यहाँ पे ग्रेट कर दिया है। अब हम इसका रस निकाल लेंगे, यानी कि इसका जूस जो है वो सेपरेट कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे जूस को सेपरेट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इसमें लगभग आधा चम्मच के करीब हनी ऐड करना है, यानी कि शहद, एंड इसके बाद लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। सो हाफ स्पून हम एलोवेरा इसमें ले लेंगे और ऐड कर देंगे, और इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। सो हमारा ये पैक रेडी हो गया। अब इसको कैसे लगाना है चलिए देख लेते हैं। गाइस, हमारा जो पैक है वो रेडी है, और इस पैक को आप हफ्ते भर के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। एंड आपको ये जो प्रोसेस है वो डेली करना है, स्किप नहीं करना है, और सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। तो आपको ये जो पैक बना के रखा हुआ है, इसमें है खीरा यानी कि क्यूकम्बर, एंड आलू है। आलू में और खीरे में दोनों में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, दोनों ही हमारे डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंट को, ब्लेमिश को कम करते हैं, और बहुत ही तेजी से कम करते हैं, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी पाया जाता है वो हमारे आंखों के नीचे या फिर हमारे चेहरे पे पड़ने वाले धब्बों को जल्दी से क्योर करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है। इस वजह से हमारा जो स्पॉट्स हैं वो धीरे धीरे फेडअप होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें मिक्स किया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारे धब्बों को कम करता है, और इसके अलावा हमारी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। एलोवेरा जेल बहुत ईजिली आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्व कर जाता है, और एब्जॉर्व करने के बाद अपना वर्क तेजी से करता है। इसके अलावा इसमें मिक्स किया गया है हनी। हनी जो होता है, यानी कि शहद, आपके मॉइस्चर को लॉक करती है, नमी बनाए रखती है, सॉफ्ट एंड सपल बनाती है, और हनी जो है वो पिगमेंटेशन या
डार्क आई सर्कल या फिर जो पफिनेस सूजन हो जाती है हमारी आंखों के नीचे, उसको आंखों के नीचे जो सूजन हो जाती है उसको ये जल्दी से खत्म करती है। सो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको बस फिंगर में इस तरीके से लेना है इसे और अपनी आंखों के नीचे मसाज करना है लगभग 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से। इसे आपको सिर्फ अपनी आंखों के नीचे और इतनी एरिया यानी कि आंख के नीचे की इतने एरिया में इसे अच्छे से मसाज करना है और ये काम आपको हाथों से ही फिंगर से ही करना है, कॉटन वगैरह यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से यहाँ पे मसाज करनी है। सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट आईज में भी यही करना है कि आंखों के नीचे अच्छे से इसकी मसाज करनी है इस तरीके से। एंड इसको आपको छोड़ देना है लगभग 15 मिनट के लिए। 15 मिनट अच्छे से ये ड्राई हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में, एंड इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। सो आफ्टर 15 मिनट वॉश करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप अप्लाई करना है। गाइस, सेकेंड स्टेप के लिए हमें यहाँ पे चाहिए विटामिन ई की एक कैप्सूल। एंड इसके बाद हमें इसमें डालना है लगभग 5 से 6 ड्रॉप रोज वाटर। एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे। सो हमारा ये पैक भी रेडी हो गया है। कैसे इस्तेमाल करना है चलिए देखते हैं इसे। सो ये है विटामिन ई एंड रोज वाटर। रोज वाटर आपकी स्किन को एनहांस करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, रिफ्रेश करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है। एंड विटामिन ई जो होता है वो आपकी आंखों के नीचे पड़ने वाले किसी भी तरह के ब्लेमिशेस हो, डार्क सर्कल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, उसको क्योर करती है। विटामिन ई जो होती है वो हमारी 7 लेयर के अंदर जाकर के मेलास्मा को कम करती है ताकि हमारी स्किन पे या हमारी आंखों के नीचे पड़ने वाले डार्क सर्कल्स या ब्लेमिशेस पूरी तरह से रिड्यूस हो सके। सो आपको करना क्या है, इसको ऐसे लेना है अपनी वन फिंगर पे इस तरीके से लेना है। एंड आपको इसे आंखों के नीचे भी अप्लाई करना है एंड आंखों के ऊपर भी यानी कि चारों तरफ। सो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे एक वन फिंगर पे मैंने यूज किया और आंखों के नीचे इसे इस तरीके से लगा रहे हैं और इसी के बाद हम इसको घुमा देंगे इस साइड में यानी कि आंखों के ऊपर इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको ओनली आंखों के नीचे अप्लाई करना है एंड सेकेंड स्टेप को आपको पूरी आंखों में इस तरीके से अप्लाई करना है इस तरीके से आपको करना है। एंड सेम प्रोसेस आपको इस आईज में भी यही करना है, आंखों के नीचे इस तरीके से अप्लाई करना है और फिर आंखों के ऊपर इस तरीके से ऐसे, ताकि अच्छे से आपकी आंखों की मसाज हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपकी आंखें अगर बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल है, तो वो बिल्कुल ही से इसका स्ट्रेस जो है वो गायब हो जाएगा। सो आपको इस तरीके से इसे करना है एंड इस तरह से करने के बाद आपको लगभग 25 मिनट यानी 25 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है ऐसे ही एंड इसके बाद आपको वॉश करना है। तो ये जो प्रोसेस है आपको डेली करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग करना है और 3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी जो अंडर आई डार्क सर्कल है जो कि बहुत ज़्यादा आपको दिखती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है या फिर सूजन लगती है या फिर आंखों के नीचे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। डेफिनेटली आई एम श्योर कि 3 दिन में, फर्स्ट डे में ही आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा एंड 3 दिन में पूरी तरह से ये 3 से 4 दिन में बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। आफ्टर वॉश के बाद 15 मिनट आपको रखना है एंड वॉश कर लेना है एंड आपको अप्लाई करना है सेकेंड स्टेप। और ये दोनों स्टेप आपको साथ में ही करने हैं, अलग अलग नहीं करने हैं, एक साथ ही दोनों स्टेप को फॉलो करना है 15 मिनट के लिए। अदर आपको एक एलोवेरा वाला रखना है अपनी आंखों के नीचे एंड सेकेंड जो स्टेप है वो आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी कि आपको 25 मिनट तक अपनी आंखों के नीचे इससे रखना है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा एंड न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।